स्टूडेंट्स, आपका चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिल इन द एप्रोप्रिएट वर्ड के अंतर्गत 10 नए वाक्य लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वाक्य है, इन द वास्ट ओपन फील्ड वी सॉ ए हट, यानी हमने एक बड़े खुले मैदान में एक झोपड़ी देखी। वो किस तरह की झोपड़ी थी? प्रेशस, तो कीमती तो होता नहीं। डूबियस, डाउटफुल, वो भी झोपड़ी नहीं होती। डेवेस्टेटिंग, भयंकर झोपड़ी, वो भी ठीक नहीं है। अब ऑप्शन बच गई सॉलिटरी। सॉलिटरी मैंने एक अकेली झोपड़ी जो हमने देखी, तो ये यहाँ पर उचित होता है, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैकबेथ इज़ ए ट्रेजेडी ऑफ ए मैन हु वॉज डॉट विद ग्रेट क्वालिटीज़। यहाँ पर मैकबेथ की बात हो रही है। मैकबेथ एक नावल का नाम है शेक्सपियर के, और इसको एक ट्रेजेडी मानते हैं। और इस ट्रेजेडी में जो व्यक्ति की बात हो रही है उसमें क्वालिटीज़ थी, यानी यहाँ पर वो शब्द यूज़ होगा जिसका संबंध क्वालिटी होने से है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? एम्पावर्ड, ऑब्सेस्ड, पजेस्ड। तो इसमें एम्पावर्ड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एम्पावर का अर्थ होता है जिसको पावर दी गई हो, तो वो यहाँ उचित नहीं है। ऑब्सेस का अर्थ होता है जब आपके दिमाग में कोई विचार या आइडिया आ जाए और हमेशा आपको परेशान करता रहे, तो वह ऑब्सेशन या ऑब्सेस से उसका रिलेशन होता है, जो यहाँ पर उचित नहीं है। पजेस का अर्थ होता होना या ओन करने से, रखने, लेकिन ये शब्द क्वालिटीज़ वगैरह रखने के लिए यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर एंडाउट शब्द जो है वो बिल्कुल उचित है। एंडाउट का अर्थ होता है यहाँ पर गिफ्टेड विद, मतलब ये क्वालिटी उनमें थी। अगला वाक्य, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड अपॉन द पीपल टू डॉट देयर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म इन द कंट्री। तो राष्ट्रपति ने कॉल्ड अपॉन माने लोगों से आह्वान किया, मतलब उनसे गुजारिश की। क्या गुजारिश की? डॉट कि अपने रिलीजियस डिफरेंसेस हैं उनको, उससे कुछ रिलेशन है। और अगला अगर हम वाक्य पढ़ते रहें तो हम पाएंगे एंड स्ट्रेंथन सेकुलरिज्म इन द कंट्री, और देश में सेकुलरिज्म को हम मजबूत करें। स्ट्रेंथन मैंने मजबूत करना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अब रिलीजियस डिफरेंसेस को समाप्त करना ये उचित नहीं हो जाता। डिफरेंसेस समाप्त नहीं किए जाते। एग्जॉर्ट, उपदेश देना या शिक्षा देना, वो भी यहाँ पर उचित नहीं होता। वीकेंड, कमज़ोर करना, वो भी यहाँ पर ठीक नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सिंक देयर डिफरेंसेस, माने अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करना, भूल जाना, है ना, भुला देना, ये शब्द उचित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो सिंक यूज़ होगा। आइए अगला वाक्य देखते हैं। द विजिट टू माई होम टाउन डॉट मैनी हैप्पी मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। तो क्या अर्थ हुआ? जब मैंने अपने होम टाउन को विज़िट किया, जब मैं वहाँ गया, तो उसने मेरी बचपन की मेमोरी को कुछ कर दिया। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। रिकलेक्टेड, रिटेन्ड, रिमाइंडेड। तो मेमोरीज़ को रिकलेक्ट शब्द यहाँ पर यूज़ करना ठीक नहीं है। रिकलेक्ट हम बातों को यूज़ करते हैं, मेमोरीज़ के लिए बात यूज़ करना ठीक नहीं है। रिटेन का अर्थ होता है बनाए रखना, कोई चीज़ आपके दिमाग में है तो, या किसी चीज़ को जैसा है वैसे बनाए रखना, उसके लिए रिटेन शब्द का प्रयोग करते हैं। रिमाइंड का अर्थ यहाँ याद दिलाने से, वो भी उचित नहीं है। रिवाइव यहाँ पर जो है वो उचित शब्द होगा, यानी मेरी बचपन की मेमोरी को एकदम जीवित कर दिया, रिवाइव कर दिया, उसमें पुनः जान डाल दी। तो यहाँ पर रिवाइव शब्द ही उचित होगा। अगला वाक्य, द रिबेलियन वॉज डॉट विद एन आयरन हैंड, यानी जो रिबेलियन था, जो ताकत आपके खिलाफ खड़ी हुई थी, उसको आयरन हैंड से कुछ किया गया। क्या किया गया? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पुट ऑफ, तो पुट ऑफ टाल दिया गया आयरन हैंड से, ये कुछ ठीक नहीं बैठता। पुट अप का अर्थ होता है रखना, यानी जब हम केस को या फाइल को पुट अप करते हैं या किसी इशू को सामने लाते हैं तो उसके लिए हम पुट अप शब्द का प्रयोग करते हैं। अब पुट आउट जो होता है वो आग बुझाना, तो वो भी यहाँ पर ठीक नहीं बैठता। अब इसमें जो ठीक बैठता है वो है पुट डाउन, यानी बगावत को हमने दबा दिया विद एन आयरन हैंड, मीनिंग शक्ति से दबा दिया, तो ये यहाँ पर उचित है।
आइए अगला वाक्य प्रयोग देखते हैं। ही इज ए स्पेंट फोर्स टोटली डॉट ऑफ एनी मीनिंगफुल आइडिया। चलिए इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले समझ भी लेते हैं अर्थ क्या हुआ। ही इज ए स्पेंट फोर्स, स्पेंट फोर्स का मतलब उसमें अब ताकत नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो चुकी है उसकी ताकत। टोटली मैंने पूरी तरह से, ऑफ एनी मीनिंगफुल आइडिया, यानी यहाँ मीनिंगफुल आइडिया की बात हो रही है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इवेसिव, डिप्लीटेड, कल्मिनेट। तो इवेसिव तो यहाँ पर ठीक बैठता नहीं है। इवेसिव शब्द का अर्थ होता है जब आप जवाब घुमा फिरा के देते हैं, यानी किसी चीज़ से आप बचते हैं तो इवेसिव हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर ठीक नहीं बैठता। डिप्लीटेड का अर्थ होता है ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। लेकिन नॉर्मली किस लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ख़त्म हो गए हों, और कोई चीज़ें जो किसी चीज़ का पार्ट हो वो निकल गई हों, धीरे धीरे ख़त्म हो गई हों, उनके लिए हम डिप्लीट शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो कल्मिनेट है वो जब किसी चीज़ में समाप्त होती है या ख़त्म होती है, तो उसके लिए हम कल्मिनेट का प्रयोग करते हैं, तो वो भी यहाँ पर ठीक नहीं बैठता। तो अब बच क्या गया, ऑप्शन बच गई ए, वो हो गई बिरेफ्ट ऑफ, बिरेफ्ट। और बिरेफ्ट के बाद हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। तो अब उसके पास टोटली बिरेफ्ट ऑफ एनी मीनिंगफुल आइडिया, यानी कोई भी उसके पास मीनिंगफुल आइडिया नहीं है, बिना मीनिंगफुल आइडिया के वो अब रह गया है। अगला वाक्य, सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इट्सेल्फ इज इन डेंजर ड्यू टू डॉट ऑफ एटॉमिक वेपन्स। यानी मानवता का जो सर्वाइवल है वो अब खतरे में आ गया है। ड्यू टू मैंने किसकी वजह से, एटॉमिक वेपन्स के बारे में कोई बात हो रही है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, रेगुलराइजेशन, ये यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को नियमित करना। परपिचुएशन, परपिचुएशन का अर्थ होता है जब हम किसी नेगेटिव एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, तो उसके लिए हम परपिचुएशन का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा ऑप्शन हो सकता है लेकिन ये पूरा सही नहीं है। प्रोवोकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ भड़काने की बात हो रही है, तो एटॉमिक वेपन को हम भड़काते तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है प्रोलीफरेशन। प्रोलीफरेशन का अर्थ होता है प्रसार या एक्सपेंशन। तो आज जो वेपन्स, एटॉमिक वेपन का एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ाव हो रहा है या फैलाव हो रहा है या दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे मानवता को खतरा हो गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो उचित होगा। अगला वाक्य, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डॉट अपॉन द सिटीजन सम वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स। अब ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को कुछ इंपॉर्टेंट अधिकार दिए हैं। अब ऑप्शन है थर्स्ट, तो ऑप्शंस में ये ठीक नहीं बैठता। थर्स्ट का प्रयोग तब होता है जब हम किसी चीज़ पे कोई चीज़ थोप रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं, अधिकार आप पे थोपे तो नहीं जाते। और डेलीगेटेड का प्रयोग पावर जब हम देते हैं उसके लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन उचित नहीं है। इम्पोज का अर्थ होता है लाद देना, ये हम पेनल्टी वगैरह जब लगाते हैं तो उसको हम इम्पोज करना कहते हैं, तो ये ऑप्शंस भी ठीक नहीं है। चौथी ऑप्शन जो है कॉन्फर्ड, ये ऑप्शन ठीक है। कॉन्फर्ड अपॉन माने देना, जब हम सिटीजन को अधिकार देते हैं तो उसके लिए हम कॉन्फर्ड यूज़ करते हैं, और इसके बाद हमेशा प्रपोजिशन अपॉन का प्रयोग होता है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। अगला वाक्य, वन ऑफ द मोस्ट विजिबल एंड डॉट पॉलिसी प्रॉब्लम्स फॉर प्लानर्स इन इंडिया इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी सबसे दिखने वाली पॉलिसी प्रॉब्लम जो है किसके लिए, प्लानर्स के लिए इंडिया में, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। अब इसमें ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे, इनडेलिबल, इनडेलिबल का अर्थ होता है जिसको मिटाया ना जा सके, तो वो तो यहाँ पर हो नहीं सकता। अच्छा, ट्रेचरस पॉलिसी होती नहीं, ट्रेचरस यानी विश्वासघाती, तो पॉलिसी विश्वासघाती तो होती नहीं। डायनेमिक पॉलिसी प्रॉब्लम भी ये लगती नहीं, डायनेमिक का अर्थ होता है जिसमें स्पीड हो, गति हो, वो भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। अब ऑप्शन सी जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का अर्थ होता है जिसको डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो, जिसकी ये बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो समस्या है वो डिफ़िकल्ट टू सॉल्व है, सॉल्व करना उसको आसान नहीं है,
तो यहाँ पर ये ऑप्शंस ठीक है। आइए देखते हैं आज का अंतिम वाक्य। द मास्टर डॉट मैनी फेवर्स ऑन हिज सर्वेंट, यानी मास्टर ने अपने नौकर पे कुछ फेवर्स कर दी, ये अर्थ निकलता है। अब क्या कर दी? अप्रूव्ड, तो फेवर अप्रूव तो नहीं की जाती, मंजूरी देना जिसका अर्थ होता है। इम्पोज, फेवर लादी भी नहीं जाती, अपनी मर्जी से आप दे रहे हो तो लादने का तो यहाँ पर कोई अर्थ होता नहीं। इंसिस्ट का अर्थ होता है जोर देना किसी बात पर, है ना, तो वो भी यहाँ पर उचित नहीं है। अब रहेगी ऑप्शन बी, तो बेस्टोड, तो बेस्टोड का अर्थ होता है देना। द मास्टर बेस्टोड मैनी फेवर्स, उसने कई फेवर्स जो थी वो अपने सर्वेंट्स को दे दी, तो यहाँ पर उचित जो ऑप्शन होगी वो बेस्टो होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली मुलाकात तक मेरा प्यार भरा नमस्कार।